हेलो गाइस वेलकम टू द कार शो आज आपके सामने ऑल न्यू 2021 ट्वेंटी वन मरुती सजुकी सिलेरियो मरुती सुजुकी सिलेरियो का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 4.75 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो सकता है एंड टॉप पेरियन का प्राइस 6.25 लाख रुपीज़ तक जा सकता है अभी ये कार ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई है बट इस कार के बारे में काफी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर आज पता लग जाएंगी ये मारुति सुजुकी सिलेरियो का सेकंड जनरेशन मॉडल है फर्स्ट जनरेशन मॉडल 2014 में आया था अब उसको यह रिप्लेस करेगा 2021 के अंदर और मोस्ट प्रोबेबली ये कारवम्बर को लॉन्च हो जाएगी एंड उसके बाद आप इस कार को बाय कर सकते हैं एंड फिलहाल अभी इसकी अनऑफिशियल बुकिंग्स भी चल रही हैं आप इलेवन थाउजेंड रुपीज देकर मारुति के शोरूम में इसको जाकर बुक भी करवा सकते हैं चलिए अब बात करते हैं इस कार के के सबसे पहले इंजन ऑप्शन की तो इस कार के अंदर आपको दो इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं पहला जो आपको इसमें कंफर्म्ड इंजन मिलने वाला है वो है वन लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि आएगा फाइव स्पीड मैनुअल एंड फाइव स्पीड एम ट्रांसमिशन के साथ एंड सेकंड जो आपको इस कार में मिल सकता है वो है 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन और इसके अंदर आपको शायद सीएनजी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा और अब इस पर्टिकुलर कार की बात करें तो यह वन 1.2 लीटर में टॉप ऑफ द लाइन एम वेरिएंट एंड चलिए अब करते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट तो सबसे पहले आपको यहां सेंटर में सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा उसके साइड पे आपको यहाँ क्रोम लाइनिंग दी जाती है फ्रंट ग्रिल के ऊपर हेडलैंप आपको यहाँ हेलोजन में दिए गए हैं साइड टर्न इंडिकेटर के साथ उसके नीचे आपको यहाँ फॉगरेट मिल जाते हैं एंड ये भी आपको हेलोजन के अंदर इस कार में ऑफर किए जाने वाले हैं एंड ऑल ओवर कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा कार का कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल का लुक एंड कहीं ना कहीं ये मेरे को ऑल्टो एंड स्विफ्ट का मिक्सचर लग रहा है फ्रंट एंड से आपको ये कार फ्रंट प्रोफाइल से कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना चलिए अब बढ़ते हैं कार के साइड प्रोफाइल की तरफ तो कई साइड प्रोफाइल में आती है आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं फुल ब्लैक फिनिश के अंदर अलॉय व्हील्स यहाँ पर आपको इसमें ग्लॉसी ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो, जो कि आते हैं 175 सेवेंटी फाइव सिक्सटी आर फिफ्टी सेक्शन टायर्स के साथ फ्रंट टू डिस्क ब्रेक्स यहाँ पर आपके इस कार में आपकी जाती है उसके बाद यहां आपको साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाता है ओवरवियम के ऊपर एंडस्वीन के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट के साथ फोल्डिंग ऑप्शन भी इसके ओवरवियम से मिल जाता है यहाँ आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया जाता है की एंट्री के लिए बाकी आप की को इंसर्ट करके भी इसका डोर ओपन कर सकते हैं एंड नॉर्मल टाइप का आपको यहाँ डोर हैंडल देखने को मिलता है और कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा कार कंप्लीट साइड प्रोफाइल लुक। डायमेंशन की बात करें तो क्या पहले वाली सिलेरियो के कंपेरिजन में इस कार के डायमेंशन को इंक्रीज कर दिया गया चलिए अब बढ़ते हैं कार के बैक प्रोफाइल की तरफ एंड देखते हैं कि बैक प्रोफाइल में आपको यहाँ ऑल यू सिलेरियो के अंदर क्या क्या ऑफर किया जाता है तो सबसे पहले आपको यहाँ बूट के सेंटर में देखने को मिल जाता है सुजुकी का लोगो उसके नीचे आपको यहाँ पे बूट ओपनर मिलता है साथ ही आपको यहाँ पे भी रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया गया साइड पे आपको मिल जाती है सिलेरियो की बैचिंग और कुछ इस तरह की आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब के साथ ही टेल नाप ऑफर की जाती है जो कि आती है साइड टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स पार्किंग लाइट के साथ

तो गैस यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है कीलेस एंट्री के लिए और कुछ इस तरह का आपको यहाँ ड्राइवर साइड डोर पैड इसमें देखने को मिलता है जो कि आता है सिंगल टोन ब्लैक फिनिश के अंदर यहां आपको मिलती है कुछ स्टोरेज स्पेस नीचे आपको बॉटल होल्डर साथ ही एक स्पीकर मिल जाता है एंड कुछ इतना वाइड ओपन ये डोर हो जाता है तो कार के अंदर एंटर या एक्सिट करने में आपको यहां पे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है अंदर आती आपको यहां देखने को मिल जाती है मैनुअल एडजस्टमेंट ड्राइवर साइड सीट के लिए हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन आपको यहां देखने को इसमें मिल जाएगा और कुछ इस तरह का आपको इंटीरियर का फर्स्ट लुक मिलता है कीज की बात करें तो यहां पर आपको इस कार के अंदर स्मार्ट ऑफर की जाती है जो की आती है

ऊपर आपको यहाँ पे एक सर्कुलर डिजाइन में ए सीवेंट देखने को मिल जाता है और कुछ इस तरह का आपको यहाँ सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस कार के अंदर ऑफर किया जाता है जिसके सेंटर में आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है स्पीडोमीटर और राइट right में आपको उसके दी जाती है एक एमआडी स्क्रीन जिसके अंदर आपको यहाँ पे आरपीआई मीटर भी ऑफर किया गया है और कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे स्टेरिंग व्हील ऑफर किया गया है इस कार के अंदर यहाँ पर आपको स्टेयरिंग वील के ऊपर स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको मीडिया एंड टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाएंगे एंड स्टेरिंग व्हील को आप सिर्फ टेल्ट वे में एडजस्ट कर सकते हैं टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको यहाँ पे किसी भी वेरिएंट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा पीछे आपको हेडलैम्प का टॉगल मिल, मिल जाता है और इस साइड पर आपके आपको वाई पकली टॉगल मिल जाता है एंड अब बात करते हैं पूरे डैशबोर्ड की तो कुछ इस तरह का आपको सिंगल टोन ब्लैक फिनिश के अंदर पूरा डैशबोर्ड लेआउट देखने को मिलता है एंड डैशबोर्ड लेआउट के सेंटर में आपको यहाँ दो ए वेंट्स दिए गए जिसके बीच में आपको मिल जाता है एक सेवन इंच का टच स्क्रीन एन्फरटेमेंट सिस्टम जो कि आता है काफी सारे फीचर्स के साथ जैसे कि ए एम एफ एम डी आर एम यूएसबी ऑक्स और ब्लूटूथ और साथ ही आपको इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले का ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है एंड इसी सिस्टम के अंदर आप यहाँ पे आपकी कार

ये पर्टिकुलर फ्रेंच वुड एडिशन मैं अभी करेंटली यूज कर रहा हूँ जो कि कार के अंदर एक काफी अच्छी वुडी फ्रेंच फ्रेग्रेंस क्रिएट कर देता है जिसके बाद कार के अंदर बैठती काफी प्लेजेंट फील होता है एंड गई सबसे अच्छी बात यह की एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है एंड काफी अफोर्डेबल भी है और साथ ही आपको इसके अंदर फ्रेग्रेंस को कम या ज्यादा करने का भी ऑप्शन मिल जाता है तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सेट से से कर सकते हैं और किसी भी तरह की लीकेज की दिक्कत आपको यहाँ पे इस परफ्यूम के साथ नहीं आने वाली है तो गाइस अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड पूरी इन्वॉल्व वन की परफ्यूम रेंज के ऊपर टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा

पीछे आपको उसके हैंडब्रेक मिल जाती है और उसके पीछे आपको यहाँ पे रियर पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं और अब बात कर लेते हैं सीट्स की तो यहाँ पर आपको इसमें सिंगल टोन ब्लैक फिनिश के अंदर ही फैब्रिक सीट्स ऑफर किए जाने वाली हैं सभी के अंदर एंड ऑल ओवर डीसेंट कंफर्ट एंड ये सीट्स ऑफर करने वाली है एंड देख लेते हैं अब इस कार का ग्लव बॉक्स तो यहाँ पर आपको इसमें नॉर्मल साइज का ग्लव बॉक्स ऑफर किया जाने वाला है ऊपर आपको यहाँ पे सर्कुलर एवं मिलता है एयरबैग की बैचिंग मिल जाती है और यहाँ सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मेर दिया गया सेंटर में मैनुअल डे एंड नाइट आयरवे मिलता है ऊपर आपको दी गई है हेलोजन और साथ ही आपको मिल जाता है ब्लूटूथ माइक और इस साइड पर आपको

नहीं देखने को मिलेगा किसी भी वेरिएंट के अंदर और कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा कार के डैशबोर्ड का कंप्लीट लुक बैक सीट से एंड अगर बात करें नीचे की तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ मिल जाते हैं पावर विंडो के कंट्रोल्स दोनों साइड्स के लिए और अगर बात करें स्पेसिंग की तो गाइस मेरी हाइट सिक्स फीट है एंड ड्राइवर सीट में ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से, से सेट है तो उसके बाद मेरे को इस कार के अंदर डिसेंट नी रूम लेग रूम और हेड रूम मिल पा रहा है मतलब थोड़ा और होता तो काफ़ी अच्छा रहता है मिडल पैसेंजर के लेगरूम में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है एंड ऑल ओवर इस कार की बैक सीट में टू एडल्ट और एक किड आराम से बैठ सकते हैं चलिए अब चलते हैं कार के बाहर आन चलकर चेक करते हैं इस कार का बूट एरिया तो कैसे इस कार के टेल गेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे मिलता है इसके लिए ग्राब हैंडल और कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे बूट स्पेस इस कार में देखने को मिलता है जो कि अप्रॉक्सिमेटली टू फिफ्टी फाइव लीटर्स के आसपास का मेरे को लग रहा है पार्सल आपको यहाँ पे इसमें दी जाएगी और ये सीट्स का आप इसमें 60 -40 में फोल्ड करके अपना बूट स्पेस और भी इंक्रीज कर सकते हैं और अगर बात करें इसके नीचे की तो यहाँ पर आपको मैट के नीचे स्पेयर व्हील मिल जाता है जो की एक स्टील व्हील है और साथ ही टूल किट की भी प्लेसमेंट आपको उसके साइड पे ही मिलेगी और अगर बात करें बूट लैंप की तो वो आपको यहाँ पर इस कार के अंदर ऑफर नहीं की जाने वाली है और सेफ्टी के अंदर आपको यहाँ पर इस कार के अंदर ड्यूल एयर बैग्स एबीसीड ऑफर किए जाने वाले हैं और बाकी की सभी डिटेल्स भी इस कार के बारे में आपके साथ शेयर कर दूंगा जैसे

आपको यह कार कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू